दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में आए दिन अपराधी बेलगाम होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली और तत्परता पर सवाल खड़ा करता है। नालंदा में अंधविश्वास के कारण शेखपुरा के एक भगत के निर्मम तरीके से धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना नालंदा जिले के कत्रीसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव में घटी और पुलिस भगवानपुर गांव के खंधा से भगत का शव बरामद किया। मृतक शेखपुरा जिले के शेखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खखड़ा गांव निवासी स्वर्गीय हरि मांझी का 55 वर्षीय पुत्र बैजू मांझी झाड़फूंक का काम करता था। घटना के संबंध में मृतक बैजू मांझी का भतीजा चंदन मांझी ने बताया कि उनके चाचा भगत थे और झाड़फूंक का काम करते थे। 27 अप्रैल दिन बुधवार की मध्यरात्रि नालंदा जिले के कत्रीसराय थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी सहदेव मांझी दो मोटरसाइकिल से अपने 3 सहयोगियों के साथ उनके गांव खखड़ा पहुंचे और उनके चाचा से मुलाकात करते हुए उसने बताया कि उसकी भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है, जिसे झाड़फूंक करने के लिए उन्हें चलना होगा और सहदेव मांझी अपने एक मोटरसाइकिल पर बैठा कर उनके चाचा को लेकर अपने गांव भगवानपुर चले गए। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल की संध्या करीब 7:30 बजे अचानक उन्हें एवं उनके परिवार वालों को सूचना प्राप्त हुई कि उनके चाचा की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना कत्रीसराय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कत्रीसराय थाना की पुलिस घटना की जांच में जुट गई। उसके बाद मृतक भगत के परिवार के लोग भगवानपुर गांव पहुंच गए। इधर भगवानपुर गांव में आरोपियों ने भगत की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को छुपाने के लिए घटनास्थल से शव को हटाकर दूसरी जगह ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन पुलिस की भनक को देखकर वह लोग खंधा में ही शव को छोड़कर फरार हो गया। कत्रीसराय थाना की पुलिस ने देर रात्रि शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि अंधविश्वास में भगत की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां नालंदा में अंधविश्वास के कारण एक भगत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।